तो है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होंगे। तो गाइज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। तो ये गुड न्यूज़ है माली जीपीयू वालों के लिए, जिसके फ़ोन में माली जीपीयू है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, अब वो लोग भी अब पीसी गेम ऑफलाइन प्ले कर पाएंगे। कैसे? तो एक ब्रांड न्यू एमुलेटर ले करके आ चुका हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है एंड माली जीपीयू सपोर्ट करता है एंड गेम आप आराम से उसमें प्ले कर पाएंगे। तो ये एमुलेटर रहने वाला है विनलेटर एमुलेटर के ऊपर आधारित, एमुलेटर रहने वाला है विनलेटर 7.1 रीलोडेड के ऊपर आधारित एमुलेटर रहने वाला है। गाइस ये एमुलेटर ओनली VRGL सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी कि मीडियाटेक डिवाइस ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको ट्रनिप या फिर DXVK देखने को नहीं मिलेगा, वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर एड्रिनो GPU सपोर्ट नहीं करेगा ये एमुलेटर, ठीक है। तो ये ओनली मीडियाटेक वालों के लिए है एंड इसका एक बहुत ही ख़तरनाक अपडेट भी हाल फिलहाल में आ चुका है, जो कि न्यू अपडेट आ चुका है यहाँ पर, और कई सारे गेम भी फिक्स हुए हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गाइस, तो यहाँ पर गेम भी कई सारे यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, जो कि आप आराम से ये जो गेम है वो प्ले कर पाएंगे। तो चलिए गाइस इस एमुलेटर को करते हैं सेटअप। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ओके, तो मैंने यहाँ पर विनलेटर माली एमुलेटर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना कंटेनर का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ पर स्क्रीन साइज आप अपने हिसाब से रख देना, जो भी आपको पसंद है। फिर यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे होंगे VRGL ही ओनली सपोर्ट है इसमें, ठीक है। तो 1D 3D ओनली यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर टर्निप एड्रिनो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही DXVK देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिमूव हो चुका है एंड ये ओनली मीडियाटेक को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आप GPU नेम रख सकते हैं एंड फिर यहाँ पर वीडियो मेमोरी साइज आप अपने हिसाब से रख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लास्ट में आना है एडवांस पर। एडवांस पर आने के बाद यहाँ पर गाइज आपको परफॉर्मेंस रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस, इसमें भी परफॉर्मेंस रख देना है, दोनों में परफॉर्मेंस रख देना है। फिर यहाँ पर स्टार्टअप सिलेक्शन पर आपको यहाँ थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे आएगी तो यहाँ पर सारे CPU को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइज अगर आपका गेम वगैरह क्रैश होता है तो यहाँ पर आप आके चेंजेस कर सकते हैं। जहाँ पर परफॉर्मेंस रखा है वो अदर यहाँ पर सिलेक्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं अगर क्रैश होता है तो, ठीक है, गेम कोई भी। तो चलिए गाइस यहाँ पर कंटेनर को क्रिएट कर लेते हैं। कंटेनर क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पर एमुलेटर को रन कर लेते हैं और ये ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर आओगे, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आना है गेम प्रीसेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो गेम आप मीडियाटेक में प्ले कर सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और अपडेट पर अपडेट आएगी इसके और यहाँ पर गेम ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी गेम खेलना है इसका जो प्लगिंग है उसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, फिर गेम को ओपन कर लेना है तो आपका गेम रन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको गेम खेलने में, ये सभी गेम प्ले कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम टॉम राइडर को प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्लगिंग है उसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं इसका जो प्लगिंग है उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हो चुका है, अब हम गेम को प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये रहा टॉम राइडर, ठीक है। जिस फ़ोन में मैं गेम चला रहा हूँ उसमें है हेलियो G85 और देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे FPS मिल रहे हैं। कभी कभी तो यहाँ पर 16 FPS पर जा रहा है गेम और यहाँ पर 30 या 40 FPS में गेम आराम से आप यहाँ पर प्ले कर पाएंगे कोई भी गेम, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस हो, Dimensity वाला फ़ोन हो आपके पास, फिर भी आप प्ले कर पाएंगे। तो जाओ गाइस चेकआउट करो, ये बहुत ही अच्छा मुझे एमुलेटर लगा है। एमुलेटर के लिए आप मेरा टेलीग्राम चेकआउट कर लो, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।